हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक वीडियो यहां पर आ चुकी है, एशियन गेम नेटो प्रोमोटर्स ने एक बेहतरीन गेम यहां पर खेला है, ओके, जिसे सिक्सर कह सकते हैं कि सिक्स मारते हुए नजर आए। तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको चीजें पता समझ में आएगी और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी कैसे एक साथ बढ़ती हुई नजर आएगी वो समझ में आ जाएगी। शेयर 16% जरूर गिरा है, बट भूल के बेचने की जरूरत मत करना। क्यों? क्योंकि 600% के रिटर्न यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए, राइट इशू से रिलेटेड बातें बताइए, सब चीज यहाँ पर बताया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है गोवा कार्बन। गोवा कार्बन में लगभग आज 8.64% की यहाँ पर जंप देखी गई है, अपर सर्किट ही लगा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें कल यहाँ पर क्या करना है, एक न्यूज है उसके साथ में यहाँ पर मिक्सचर है, और कुछ जब न्यूज के साथ में चार्ट मिल जाते हैं तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर चीजें और अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो इसी से रिलेटेड बातें करेंगे, पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो सबसे पहले मिले। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करने है, ये पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, इन पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर वीडियोज आती रहती है डेली। यहाँ पर कल फ्राइडे को मेटल बताया था, इससे पहले BDL आपको बता के रखा है और बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर बताया, रेणुका शुगर बताया था, मैंने एग्जिट ले लिया था यहाँ पर लगभग 27-28% के 2 दिन में रिटर्न लेके, बट स्टिल यहाँ पर आज के दिन में दोबारा 17-18% भाग गया। तो इसी तरीके के वीडियो यहाँ पर चाहिए तो हमें फॉलो जरूर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोवा कार्बन डिविडेंड, बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पर 2018 तक दिया था, 19, 20 में, 21 में, 22 में यहाँ पर अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। बोनस की बात करें, कंपनी यहाँ पर लगातार देखिए 91 में 97 1:1 का बोनस। स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का कोई स्प्लिट नहीं आया। राइट इशू की बात करें 2006 में एक 1:1 का राइट इशू भी आया। कंपनी के यहाँ पर इनकम देखिए 2018 के बाद लगातार गिरावट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी यहाँ पर लगातार घाटे में ही चलती हुई नजर आ रही है 2018 के बाद, इसलिए यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी इसी तरीके से शायद होगा जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं। FIs की या प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर एज इट इज बनी हुई है। FIs की बात करें तो FIs की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, FIs की होल्डिंग यहाँ पर दिसंबर में बढ़ती हुई नजर आई है लगभग यहाँ पर 0.04% की। DIs के पास भी यहाँ पर ना के बराबर ही होल्डिंग है, पब्लिक के पास यहाँ पर उसके बाद सबसे ज्यादा हिस्सेदारी नजर आती है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। गोवा कार्बन का काम क्या है वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस मॉडल जब तक नहीं देखेंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। तो देखिये यहाँ पर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट क्या कैल्केनाइड पेट्रोलियम कोक से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द डैम्पो ग्रुप ऑफ कंपनी, डैम्पो ग्रुप का ये पार्ट है। इसके अलावा कंपनी 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट, जो कि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, कैल्केनाइड पेट्रोलियम कोक। इट इज प्राइमरी यूज इन द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एंड यहाँ पर अगर हम देखें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इनके जो ये प्रोडक्ट्स है ये अलग अलग कंपनी में काम आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम मेल्टिंग में यहाँ पर एल्यूमिनियम को स्मेल्टिंग में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, और यहाँ पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। क्लाइंट की बात करें बेहतरीन यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी नालको हो गई, हिंडालको हो गई, सेल हो गई, यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है सारी के सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज करती हुई नजर आती है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं ये कमोडिटी का प्ले है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, कंपनी हैज लाइसेंस कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीपीसी ऑफ 1 लाख मेट्रिक टन फॉर द गोवा यूनिट एंड 1,68,000 मेट्रिक टन फॉर द प्रदीप यूनिट एंड 40,000 मेट्रिक टन फॉर द विलासपुर यूनिट। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रेवेन्यू यहाँ पर किससे कहाँ से आता है वो यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी यहाँ पर इनका इंक्लूड है, क्योंकि आई थिंक ये डॉलर में यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट करते होते हुए नजर आते होंगे, तो इसलिए। इसके अलावा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का भी यहाँ पर रहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कैप्ड द इंपोर्ट ऑफ द जीपीसी बाय द क्लासिनर्स एंड इंपोर्टेड द सीपीसी बाय द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एट 1.4 बिलियन टन्स पर एनम एंड 0.5 बिलियन टन्स पर एनम एंड एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट इज टू बी फिल्ड बाय डोमेस्टिक सप्लायर्स के थ्रू यहाँ पर इनका यूज होता हुआ दिखाई देता है। तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिएगा तो आपको विजिट करने पर पता चल जाएगा कंपनी का काम क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का यहाँ पर बिजनेस मॉडल क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज आप यहाँ पर जितना गौर फरमाएंगे, जितना यहाँ पर चीजें देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वो बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पैकेजिंग की बात करें तो लगभग जूट बैग में ये कंपनी काम कर मतलब ये प्रोडक्ट्स देती हुई नजर आती है। HDPE बैग्स में, पेपर बैग में इनके प्रोडक्ट्स जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर
एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अब बात करते हैं मेन चीज की, मार्केट कैप। मार्केट कैप 516 करोड़ रुपए की है, माइक्रो कैप कंपनी है। याद रखिए, अगर पैसा कमाना है तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप में ही पैसा बनेगा। और अगर आपको बिना रिस्क के आप टाइम दे सकते हैं कि हाँ 20 साल, 25 साल, 30 साल का समय दे सकते हैं, तो फिर निफ्टी 50 की जो चुनिंदा कुछ कंपनी है, लगभग 30 कंपनी, उनमें पैसा लगा के छोड़ दीजिए, तो पैसा अपने आप बनता हुआ नजर आएगा। तो और अच्छे से पैसा कमाना है तो यहाँ पर यही कंपनी आपको पैसा बनाती हुई नजर आएगी। हाई 598 था, 564 पे शेयर चल रहा है, 70 के पी पे चल रहा है, और इंडस्ट्री का पी 30 है, तो मतलब कहीं ना कहीं सस्ता है। आरओसी 4 का है और आरओई लगभग नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट से यहाँ पर दिखाई देता है। डेट की बात करें 1.14% का यहाँ पर कंपनी के पास डेट भी दिखाई देता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ चीज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2018 के बाद यहाँ पर कंपनी लगातार गिरती हुई नजर आई है। क्यों? क्योंकि 2018 में ही इनकी कब से अच्छी कमाई होती हुई दिखाई देती, कंपनी तब अच्छे खासे प्रॉफिट में थी, और कहीं ना कहीं साइक्लिकल इनका बिजनेस है। एक और कंपनी यहाँ पर इसी तरीके से साइड बेस चलती है, यहाँ देखेंगे 2005 से लेके लगभग 2016 तक साइड बेस, फिर उसके बाद एक अच्छे खासा जंप, और इसके बाद दोबारा एक गिरावट, और अगेन इसी तरीके की कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए 216 करोड़ रुपए की सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 16 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर चीज देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ का, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेस पे अच्छा था, जो कि 6% से 9 हुआ, 2 से यहाँ पर 9% होता हुआ दिखाई दिया। तो याद रखिए, आपको मैं एक चीज बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, वो भी क्वार्टरली ईयरली बेस पे अच्छा खासा है। ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखिए चीजें, यहाँ पर 2018 तक हाईएस्ट एवर का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद गिरावट थी, और पिछले 12 महीने में 620 करोड़ की यहाँ पर सेल्स है। तो शायद यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स और होती है, और अगर अच्छी खासी सेल्स होती है तो कंपनी यहाँ पर 90 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था उसे क्रॉस कर देती है, तो ये शेयर फिर चार्ट पैटर्न दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वहीं से यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई दिया था। तो मैं एक चीज बता रहा था कि यहाँ पर अगर यहाँ पर रिजल्ट देखिए, हर एक कंपनी के जब भी रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट सेशन शुरू हो गया है, तो जब भी रिजल्ट आते हैं और क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये तीन चीज देखिए, ये अगर क्वार्टरली और एनुअली तीनों बेसिस पर अच्छा खासा है, तो याद रखिए अगर शेयर गिरता है, नीचे आता है, तो नीचे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लीजिए, जितनी क्वांटिटी करनी है उतनी क्वांटिटी भर के कर लीजिए। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक से दो महीने का, और जब इसके रिजल्ट आने वाले होंगे उससे पहले आपको एक बेहतरीन रिटर्न, लगभग 30 से 40% के रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। एंड सेम हैपन विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं इसने अपने लो से 1 से 1.5 महीने के अंदर, जो कि हम अभी चार्ट पे चलेंगे तो बात करेंगे। रिजर्व्स की बात करें, 74 करोड़ के रिजर्व्स है, कोई खास रिजर्व्स नहीं है, कंपनी लगभग फ्लैट रिजर्व्स पिछले 11 महीने से है। बोरोइंग की बात करें, लगभग 95 करोड़ रुपीज की बोरोइंग यहाँ पर अभी भी रही है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वर्किंग प्रोग्रेस में भी 3-1 करोड़ रुपये। कैश की बात करें, 115 करोड़ का कैश भी है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, 59.72। एफआईएस और डीआईएस ना के बराबर, और पब्लिक की बात करें 40% की हिस्सेदारी यहां पर नजर आती है, उसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब यहां पर आज के दिन में देखें तो ये शेयर लगभग 571 पे गया, इसके बाद 561 पे यहां पर नीचे आया, ओके 561 पे यहां पर चल रहा है। तो हुआ क्या है कि आज इतना शेयर भागता हुआ नजर आया, तो एक न्यूज आई है कि यहां पर डॉली खन्ना को सब जानते हैं, ओके ये साउथ इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर है ये, ओके इन्होंने, हां सॉरी डॉली खन्ना, तो इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और वो भी कितने कितने की, सॉरी यहाँ पर लगभग 1.13% की हिस्सेदारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए डॉली खन्ना जी, उनके हस्बैंड, उन्होंने 1.13% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज आई, और न्यूज आती साथ ऊपर चीजें भागती हुई नजर आई। और जब न्यूज आती है और चार्ट पे भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सिंपली चीजें ये होती है कि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन अपसाइड नजर आती है, और शॉर्ट टर्म में और पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने लो से यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसका लो देखें, ये यहाँ पर कब, फरवरी, मतलब 24 फरवरी से अभी तक लगभग शेयर कितना चल चुका है वो भी आप देख लीजिए, तो लगभग 76% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और मोर देन 76% के रिटर्न दे चुका है, क्योंकि उसके बाद चीजें थोड़ी सी नीचे आई, और नीचे आके फिर कंसोलिडेट 82% के रिटर्न। तो ये जो अच्छी कंपनी होती है, जो गिर जाती है ना, उसके बाद अगर इसे एक्युमुलेट करते हैं, तो याद रखिए अच्छा पैसा बनता है, और
रिजल्ट देखिए, पैशनेट को रिजल्ट के टाइम पे कलेक्ट करिए, एक और 1 महीने के अंदर अंदर सारे रिजल्ट देखने के बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करिए। जो रिटर्न्स आपको 3 महीने में नहीं मिलने होंगे, वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर, और 10 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। ये मेरी खुद की स्टडी है, जो कि मैं आपको सीक्रेट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्टडी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रात को देखना पड़ेगा, दिन में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, चार्ट आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ओके, और वो ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे आपके दोबारा बनते हुए नजर आ सकते हैं। और वो ब्रेकआउट क्या है, जैसे कि यहाँ पर चार्ट बना है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। और अगर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पर एग्जैक्टली 597.8, लगभग 598 रुपीज को यहाँ पर क्रॉस करता है, याद रखिए एक अच्छी खासी जंप होती हुई नजर आएगी, जो इस शेयर को और ज्यादा यहाँ पर भगाती हुई दिखाई दे सकती है, अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और ये शेयर फिर पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल लगभग से 618, और फिर उसके बाद लगभग लगभग ये 776 तक भी ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर अगर, और रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ये शेयर इसके नीचे आ जाता है 507 रुपए के आसपास, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाँ 507 रुपए के यहाँ पर आ जाता है, तो चुपचाप यहाँ पर एग्जिट भी बनता है। तो एग्जिट भी यहाँ पर बनता है, क्यों? क्योंकि शेयर ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुका है, ज्यादा भाग चुका होता है, ऐसे शेयर के पीछे पड़ना बहुत बेकार बात होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल पे अटक जाएंगे, फिर चीजें नीचे आएगी, तो लगभग 3 से 6 महीनों और 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ पर अटके रह सकते हो, और फिर आपका पैसा यहाँ पर अटका हुआ रह सकता है। चीजें ऊपर जरूर आएंगी, आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल भी जाएंगे, बट 1 साल आपके पैसे क्या होगा, वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, जो कि बहुत मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल होता है, इस चीज को याद रखिए। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मेहनत से एक्सपीरियंस करी है, ओके। तो इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहां पर ब्रेकआउट तो आ रहा है, याद रखिए, बट ब्रेकआउट यहाँ पर से इसको क्रॉस कर देता है, जो ये लेवल मैंने आपको बताया है, लगभग 600 रुपए के आसपास का यहाँ पर लेवल क्रॉस करता है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप आ सकती है, और इस शेयर को यहाँ पर लेके जा सकते हो। और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा गेन भी यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर एक कप बन रहा है, कप बनने के बाद यहाँ पर एक हैंडल बन रहा है, हैंडल बनने के बाद यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर जिसे कहते हैं, यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर हेड, फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है। और जो RSI है 74.84 की, लगभग 75 की, ये भी कह रही है कि भाई हमें ऊपर जाना है, हमें ऊपर जाना है, तो इसलिए यहाँ पर आप 1 और 2 दिन के लिए यहाँ पर इस गेम को प्ले कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट कर मायने रखता है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट अच्छे खासे आते रहे तो ये भी लेवल कोई बढ़िया लेवल नहीं है, ओके, बट यहाँ पर अभी धीरे धीरे आने दीजिए यहाँ पर, ओके। यहाँ पर 3000 का टारगेट नहीं, लगभग लगभग ये शेयर 750 रुपीज तक, 780 रुपीज तक जा सकता है, ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, और इस चीज को भी याद रखिएगा, और इस लेवल को क्रॉस होने दीजिएगा, और इस लेवल को क्रॉस के नीचे आता है तो चुपचाप बेच के निकल जाइएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में, वरना फिर अटके रह जाएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, जितना हो सके हम इसमें सीखने की कोशिश करना है, दूसरी वीडियोज को जाके देखिए आ चुकी है वो मार्केट में, एज वेल एज यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।